हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के इस छोटे से इनफॉर्मल टॉक में मेरे साथ हैं सुजल सर और कविंद्र सर। और सबसे पहले तो मैं सुजल सर से कुछ इनफॉर्मल बातें करना चाहूँगा और इनसे पूछना चाहूँगा कि भिलाई में इनका स्टे एक्सपीरियंस कैसा रहा। इनका भिलाई में ये सेकंड विजिट रहा है और ऑफलाइन पहली बार ये क्लास ले रहे हैं भिलाई में, और मेरे हिसाब से पिछले 2 या 3 साल से ऑफलाइन क्लासेस नहीं लिए, तो ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन क्लास एंड इन टर्म्स ऑफ भिलाई पूछना चाहूँगा। सुजल सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा सा बच्चों के साथ शेयर करेंगे। यस, सो ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, मेरा एक्सपीरियंस तो एकदम फेबुलस रहा है, एस्पेशली ऑफलाइन क्लासेस का मजा ही कुछ और है। डेफिनेटली आप ऑनलाइन क्लास से भी रैंक निकाल सकते हो, लेकिन ऑफलाइन का मजा कुछ और ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दिया है और काफ़ी तेज बच्चे थे और काफ़ी अच्छे थे। दूसरी बात के भिलाई की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ये पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि सब लोगों का सबसे पहला डाउट रहता है कि रहने का कैसे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छा सा पीजी मिल जाएगा, एज वेल एज फ्लैट का भी ऑप्शन रहता है जिसमें आप 4-5 स्टूडेंट साथ में मिलके रह सकते हो। कोचिंग एंड हॉस्टल या फिर पीजी का जो डिस्टेंस है वो केवल और केवल समझो कि 2 मैक्सिमम 2 किलोमीटर से, तो आप आराम से 10 मिनट में चल के या फिर आप साइकिल के थ्रू भी आ सकते हो। यहाँ पर अगर मैं फूड की बात करूँ तो गाइस सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है फूड, आपको अच्छे से अच्छा फूड मिल जाएगा। 2-3 स्टूडेंट्स मुझे मिले थे तो बता रहे थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपीज़ में एक आंटी पूरा महीने का अच्छी तरह से 2 टाइम का खाना बना के देगी, यानी कि मान लो कि आपको सिर्फ 35 रुपीज़ में 1 टाइम का अच्छा खाना मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स सर है और मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है और स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, ये मेरा एक्सपीरियंस है सर। सुजल जी, मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा आपसे। बच्चा जनरली गेट अकेडमी से जुड़ना चाहता है इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड, और अगर बाय द वे बच्चा हमसे नहीं जुड़ पा रहा है तो मिनिमल कॉस्ट में हमसे कैसे जुड़ सकता है, और कैसे एटलीस्ट जुड़ा रहेगा तो एक अच्छी रैंक की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है, प्लीज़। यस डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप गेट अकेडमी के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो तो गेट अकेडमी के आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इस बार हमने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है। हर एक क्वेश्चन का, हर एक टेस्ट में आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये अगर प्रोडक्ट बच्चे ले रहे हैं तो उनका रैंक अच्छी तरह से बूस्ट हो सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज इस बार बनाने में काफ़ी मेहनत की है और एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी प्रिपेयर किए गए हैं। तो मैं स्टूडेंट को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ तो वो ज़रूर परचेस करें। सुनील जी, एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा, जैसे आपने भी वीडियो सॉल्यूशन शूट किए हैं और अभी भी शूट कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस तो देख के समझ में आ जाता है, तो आप उसकी कैसी रेटिंग देंगे, और ओवरऑल जब बच्चा उसके एक्सपीरियंस करेगा तो ओवरऑल उसकी गेट की जर्नी में ये कैसे एड ऑन करेगा, ये चीज़ आप थोड़ा सा बताएंगे। ओके, तो ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन का लेवल है एज पर दी लेटेस्ट गेट एग्जाम पैटर्न है, और जिस तरीके से गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से ही डिज़ाइन किए गए हैं, तो अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो काफ़ी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं सर। कविंद्र जी, मैं आपसे थोड़े कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। देखो, इस पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज़ में कविंद्र सर रिगरसली इन्वॉल्व थे, तो डेफिनेटली इनको बैकएंड की कई चीज़ें पता होंगे, तो कविंद्र सर आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को टोटल इन जनरल देखने को मिलेंगे, कितने फॉर्म में हम लोगों ने सब्जेक्ट्स को बांटा है, ओवरऑल वीडियो सॉल्यूशंस में अपन ने पूरा का पूरा कैसे उनके एक्सपीरियंस को एनरिच करने की कोशिश की है, सो ओवरऑल आप थोड़ा सा इनको गाइड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं सुजल सर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा कि सक्सेसफुली सिग्नल एंड सिस्टम कंप्लीट करा है सर ने ऑफलाइन बैच में, और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और सर ने सर की जो पढ़ाने की टेक्निक है वो वाकई बहुत दमदार है और अच्छी है, और साथ साथ सर शॉर्टकट भी बताते हैं जैसा कि मैंने नोट्स में देखा था, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप मेथड तो जानते हैं लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप चीज़ें भूल जाते हैं, तो फिर क्या होता है सर, सब कभी शॉर्टकट काम आ जाता है, है ना। हाँ, टाइम सेव भी हो सर, जैसे मैं भी गेट में कई बार अपीयर हुआ हूँ सर, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि कई बार हमको बड़े फॉर्मूले नहीं याद रहते, ठीक है, तो फिर हमको क्या मिलता है कि हमको फिर माइंड अपने आप ही अप्रोच करता है कि कुछ इसमें शॉर्टकट मिल जाए, या फिर ऐसा भी है सर, मैं आपको बताऊँ, मतलब एज अ एस्पिरेंट बता रहा हूँ मैं, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है वो ये है कि आप चाहे कितने भी मतलब इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड ना सबसे पहले यही अप्रोच करता है कि इसको बहुत जल्दी कर लो। ये सबकी फीलिंग होगी, मतलब ऐसा मेरी नहीं, ये ऐसा है कि सर सबकी फीलिंग होगी, चाहे उस क्वेश्चन को कोई मतलब बहुत इंटेलिजेंट लड़का कर रहा हो या कोई नॉर्मल एस्पिरेंट कर रहा हो, लेकिन सबसे पहला यही रहता है कि इसको बहुत जल्दी कर लूँ, जब नहीं आता समझ में तब हम सोचते हैं ये फार्मूला लगाऊं वो फार्मूला लगाऊं, तो सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, तो
और सक्सेसफुली कंप्लीट करा है, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और गेट अकेडमी तो वैसे ही सर गेट प्रिपरेशन करने वालों के लिए एक मतलब भिलाई हब बन चुका है। अब लोग जो है इधर उधर जाने की बजाय भिलाई ज़्यादा आते हैं, और जैसा कि आपने सर ऑफलाइन मैच में देखा ही था, एकदम ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे बात अभी टेस्ट सीरीज की चल रही थी, सर ने मेरे से टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो जस्ट इनफॉर्मल टॉक है ये हमारी, ठीक है, तो मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक गेट अकेडमी से जुड़ने का एक सीधा सा मीडियम ये भी है कि आप गेट अकेडमी टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। और आप जैसे अगर इन्वॉल्व होते हैं ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन की टेस्ट सीरीज में, तो सर आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो 2K प्लस क्वेश्चन मिलने वाले टोटल, 2000 प्लस, ठीक है, 2000 प्लस विद वीडियो सॉल्यूशन। ये मतलब हाँ, का स्पैन मेरे को लग रहा है 200 घंटे से प्लस है जी। और मैं सर ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे ना, तो टीचर ने जो डिस्कशन करा है वो सिर्फ ये नहीं बताया है कि ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन है, उन्होंने ये भी बताया है कि इस मेथड से आप भी कर सकते हैं, किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि कोई उसमें का शॉर्टकट आ रहा है तो उसको भी डिस्कस कराए। क्योंकि सर प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल के, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं, तो मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमने 6 टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं टॉपिक वाइज, सर टॉपिक वाइज 6 टेस्ट, मतलब टॉपिक वाइज 6 टेस्ट हमने स्पेशली मशीन के प्रोवाइड कराए हैं। कम्युनिकेशन हाँ, जो जो टफ सब्जेक्ट लगते हैं लोगों को, हमने उसके नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा करें, लेकिन ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा कर दिए, उसके साथ साथ सर हमने टॉपिक भी डिस्ट्रीब्यूट करें अकॉर्डिंगली कि किस में बच्चे को डिफिकल्टी फेस होती है। ऐसा नहीं कि बस मशीन के 6 टेस्ट बना दिए बात ख़त्म, 6 टेस्ट बनाए और 6ों में सर सिंक्रोनस के क्वेश्चन है, 6 के 6 में ट्रांसफार्मर, ऐसा नहीं, स्पेशली ट्रांसफार्मर का अलग है ना, स्पेशली ट्रांसफार्मर का अलग है, सिंक्रोनस का अलग है, कम्युनिकेशन की बात करें तो रैंडम वेरिएबल का अलग है, समझ रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन अलग डाला है, तो हाँ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करें। ऐसा नहीं कि हमने 4 टेस्ट बनाए तो चारों में हाँ चारों में एक ही टॉपिक के क्वेश्चन डाल दिए, नहीं, उससे टाइम आपका ख़राब होगा, डालने को तो हम कर सकते हैं लेकिन टाइम ख़राब होगा। और एक एक क्वेश्चन जो है ना, जो क्रिएट करा गया है, वो जो फैकल्टी है ना, सर सुजल सर से पूछिए, ऑफलाइन क्लास लेने के बाद ये दोबारा टेस्ट सीरीज पर काम करते थे, ये नीचे आकर जब बैठते थे केविन में, तो फिर ये टेस्ट सीरीज का काम करते थे, ठीक है, जितना भी टाइम मिलता था, तो 8 घंटे की सर क्लास लेते थे और उसके बाद सर टेस्ट सीरीज पे। सोनल सर यहाँ पर हैं, तो सर भी पूरा जो जो सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं उनकी टेस्ट सीरीज सर बैठ के क्वेश्चन को डिजाइन करवाते थे कि ऐसे करो, हमारी पूरी टीम है सर एक, है ना, और पूरा ये सबसे अच्छा मीडियम है। और यकीन मानिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गेट अकेडमी का ऑफलाइन बैच नहीं ज्वाइन कर पाए, या फिर आप गेट अकेडमी का पीडी कोर्स नहीं ले पाए या बीओडी नहीं ले पाए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा, आपके कम से कम 40-50% कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे वीडियो सॉल्यूशन से, ठीक है, आपकी अच्छी रैंक तो बन जाएगी अगर थोड़ा सा आप मेहनत करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें भी हम लोगों ने टॉपिक वाइज अलग कर रखा है सर, सब्जेक्ट वाइज अलग कर रखा है, उसके बाद मल्टी सब्जेक्ट और लास्ट में मॉक डाला है, तो इस तरीके से ना आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना, आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा, आप बोलोगे कि यस मेरे ना जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे रिव्यू हो रहे हैं। तो ये इस लेवल की ना मेहनत चल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपको दे दिए और बोल दिया कि आप करो, ऐसा नहीं, एक एक टीचर, क्योंकि जब वीडियो सॉल्यूशन टीचर बनाता है ना, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो क्वेश्चन बढ़ जाती है, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन ना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, अगर वो टीचर के लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा ना, तो फिर वो वीडियो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो आपको ना चीज़ें मिलेंगी और आप वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे दिल खुश हो जाएगा, समझो। तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दिया, बाकी सर से बात करते हैं, सोनल सर अभी और कुछ भी हमसे बात करेंगे वो भी आपके सामने आएगा। तो वही जैसा टेस्ट के लिए कविंदर सर बता रहे थे, मैं कंसोलिडेट करूँगा, 2000 क्वेश्चन हम लगभग 1000 रुपये के अंदर दे रहे हैं, जो हमारे एकदम नए स्टूडेंट है, तो यार एक क्वेश्चन जो है आपको 50 पैसे भी कॉस्ट नहीं कर रहा, विथ वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन का स्पैन देखते हैं तो लगभग 250 घंटे, 250 घंटे दूसरी जगह का चार कोर्स होता है, 4 सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट अगर मैं 3000 रुपये में मानता हूँ तो कितना हो गया, 12000 रुपये, मतलब कि अब मैं तो ये बोलूँगा किसी बंदे को अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी देना है, भाई तुम केवल टेस्ट में घुसो, सबमिट करके बाहर निकलो, पूरे के पूरे वीडियोज़ देखो, तो कम से कम तुम्हारे रिविजन तो हो गए। और साथ में ये भी बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन का लेबल,
या लिटरली मैं आज सूट करके आ रहा हूँ, अभी सूटिंग यहाँ चल रही है, ऊपर कंट्रोल सूट कर रहा था, मेरे को ये लग रहा था कि हम लोगों ने टेस्ट में इतने क्रिएटिव क्वेश्चंस भी दिए हैं क्या जी। मतलब कि कई बार ये मेरे को थॉट प्रोक कर रहे थे कि यार सच इंटेंस लेवल वी हैव अचीव्ड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। तो मतलब कि मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल आप लोग इन्जॉय करने वाले हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि टेस्ट नहीं भी देना है तुम लोगों को, रिविजन करना है तो यार वीडियो एक्सेस के फॉर्म में तुम टेस्ट खरीद लो ना यार। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पुराने एक्स इनरोल्ड स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में थरोली हम इन लोग हम इन्वॉल्व हैं और हमारे टेस्ट में यार कई खूबसूरतियाँ हैं। बाकी जगह मैं देख रहा हूँ कि बाकी टेस्ट सीरीज में केवल 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, हम 10 की जगह में 20 दे रहे हैं। हमको ये पता है कि आपका पेन कहाँ है, उस पेन पे ही मरहम लगाएं। जैसे पता है सर, जैसे कम्युनिकेशन में पहुँचता है बच्चा बोलता है सर डिजिटल कम्युनिकेशन में ढेर, जैसे ही वही डिवाइसेज में पहुँचता है उसको मॉस वाले कंसेप्ट में ढेर। भाई तुम्हारी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है हम लोगों ने उसको पहले लिस्ट आउट किया है। दांडे सर ने क्लियरली बोला था कि मेरे को इसका सेपरेट टेस्ट चाहिए, और अगर मेंटर अगर ऐसा गाइड करता है और हम भी एड ऑन कर रहे हैं, हमको पता है यार आप लोगों को कहाँ पेन है, उस पेन में कुछ मत करो ना यार, तुमको टेस्ट नहीं दिलाना। चलो भाई तुम्हारे वीडियोस तो हैं, क्वेश्चंस तुम्हारे सामने होंगे, एक टीचर जो है जैसा बता रहे हैं डिटेल में डिस्कस करेगा तो कम से कम तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और मेरे को लग रहा है कि जितने रफ्तार से हम लोग टेस्ट अपलोड कर रहे हैं सर, नोबडी इन इंडिया इज मीटिंग, मतलब मैं हम तो बोल रहा हूँ मीट करने के आसपास भी नहीं है जिस रफ्तार से आप सर, मैं तो बता रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अपलोड कर दिए सर। बिल्कुल। और कोई बच्चा सर ऐसा होगा जो वो मतलब जैसे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना सर ड्रॉपर, जो ड्रॉप ले रहे होंगे तो उनके चार या पांच सब्जेक्ट तो मतलब उनको रिवीजन के थ्रू ही मतलब हो जाता है तैयार। जैसे जो ड्रॉपर है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा भी होगा कि मान लो मैंने 2 साल ड्रॉप लिया सर, मेरी पहली बार रैंक नहीं आई, दूसरी बार मेरा 1000-1200 आई, तो मेरे को लगेगा कि अभी मैं अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया हूँ, मैं एक बार और गेट देता हूँ। तो सर उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट तो उनके टिप्स पर ही आ जाते हैं, तो वो लोग टॉपिक वाइज के बाद डायरेक्ट स्विच करते हैं सब्जेक्ट वाइज पर, तो वो लोग वेट थोड़ी करेंगे कि हम तो हम ये सोच रहे हैं कि किसी का टाइम बर्बाद ना हो। और इस बार तो इंसाइडर पास भी डाला हुआ है, खैर अब तो इंसाइडर पास की डेट निकल चुकी है, वो 10 मई तक सर थी इंसाइडर पास की, तो इंसाइडर पास में अब कोशिश करेंगे। रेस्पॉन्स तो सर बहुत आ रहा है, लोग बोल भी रहे हैं कि जो है इंसाइडर पास को सर दोबारा वो कर दीजिए, लेकिन वो 10 मई तक डेट थी, तो उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ये था कि उसमें अगर कोई डाउट अगर आपको आता है टेस्ट सीरीज के अंदर तो आप डायरेक्ट गेट एकेडमी की फैकल्टी उसके लिए आपको रिप्लाई करेगी। सर मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जी सर कि इंसाइडर पास अपन एक बार फिर से इन्वोक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एक बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से आए। तो सर आप थोड़ा सा प्लान करिएगा, लेकिन बच्चों का तगड़ा रिस्पॉन्स आए तो शायद आप देख सकते हैं, वो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सुजल सर आपका टेस्ट के रिगार्डिंग अगर कुछ इनपुट रहेगा तो मैं आपसे लेना चाहूँगा, तो आप थोड़ा सा बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे। यस सर, वो जो इंसाइडर पास है वो थोड़ा अभी ओपन कर दिया जाए तो बच्चों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है, तो मेरा भी वही सजेशन रहेगा कि अगर पॉसिबल है, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मुझे भी आई थी, मैंने भी आपको परसों एक मैसेज किया था, तो स्टूडेंट्स मुझे भी मैसेज कर रहे थे कि सर हमें इंसाइडर पास चाहिए ऐसा करके, तो यस डियर स्टूडेंट्स हम ट्राई करेंगे कि ये फीचर भी आपके लिए अवेल वापस कर दिया जाए। लेकिन सर इसके लिए ह्यूज रिस्पांस बच्चों की तरफ से चाहिए होगा, ह्यूज रिस्पांस, मतलब कि आप लोगों को ये श्योर करना पड़ेगा कि आपने एक कदम हमारी तरफ बढ़ाया तो एक कदम हम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंसाइडर पास के साथ, इंसाइडर पास का मतलब ऐसा नहीं कि केवल पास दे दिए, उसके बाद का जो वर्क है वो एक्चुअली में हमको एग्जीक्यूट करना होता है। तो कविंद्र सर आप इंश्योर करेंगे जब तक बच्चों का ह्यूज रिस्पांस नहीं आएगा इंसाइडर पास बिल्कुल इन्वोक नहीं करेंगे। बिल्कुल। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से सुजल सर मेरे को लग रहा है कि भिलाई में लगभग कब आप रवाना हो रहे हैं? सर मेरी कल फ्लाइट है, तो कल मैं निकल रहा हूँ सुबह 11 बजे यहाँ से, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मतलब मैं डेफिनेटली दूसरे बार भी आना चाहूँगा जब भी ऑफलाइन क्लासेस रहेंगे। और डियर स्टूडेंट्स अगर आप भी सोच रहे हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 100% माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ सर, आज मेरा लास्ट क्लास था तो बच्चों को तो मैंने ट्रीट दिया, एज वेल एज बच्चों ने फोटोज खींचे, सेल्फीज की, तो उससे मेंटल भी थोड़ा ज़्यादा पीस बच्चों को मिला है, है ना, जो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, और लास्ट में बहुत मतलब आधा घंटा बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया, तो ये भी बहुत ज़रूरी है जो ऑफलाइन में ही मिल सकता है आपको, है ना। और भिलाई काफ़ी अच्छा प्लेस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप एक बार एटलीस्ट विजिट तो जरूर कर सकते हो गेट एकेडमी को, और भिलाई भी आ सकते हो, मेरा यही सजेशन है सबसे। तो चलिए इसी सीक्वेंस में आज की इस छोटे से सेशन को ख़त्म करते हैं। और एक खूबसूरत बात जो मेरे को लगी, गुजरात की हर एक छोटी सी बड़ी सिटीज़ जो है वो अपने आप में ए लेवल सिटीज़ हैं, और जैसे सुजल सर जो है वडोदरा से बिलोंग करते हैं और भिलाई को अच्छा रेट कर रहे हैं, तो सुन के काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मेरे को, है ना। एनीवेज सो मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि आप किसी भी तरीके से गेट अकेडमी से जुड़िए और अपनी लाइफ में बेस्ट करिए। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, बाय बाय, टेक केयर।